पिछले वीडियो की एक श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इस श्रृंखला में हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो है भौमिक समय सारणी जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये कड़ी है इस बात को समझने के लिए कि जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जीवों का विकास हम लोगों ने पढ़ा और मानवों का विकास पढ़ा। अब ये विकास तो हम लोगों ने पढ़ा लेकिन इसको एक समय के अंदर बांधना है और जब उसको बांधेंगे तो इससे हमको विभिन्न प्रकार के कालखंडों के बारे में जानकारी मिलेगी। क्योंकि जो प्रश्न आता है यहाँ से विकास का जो क्रम है जीवों के और मानवों के वहाँ से तो प्रश्न आता ही है, लेकिन प्रश्न यहाँ से भी आता है कि कोई भी जीव किस कालखंड में आया, उसकी उत्पत्ति किस कालखंड में हुई और इस कालखंड का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जान लें हम लोग कि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति का एक क्रम चला है और क्रम चलने के बाद आज मानव जो उच्च कोटि का जीव है वो हमको पृथ्वी पर दिखाई देता है और विकास भी। इसमें हम लोग को यहाँ पर ये 4.6 अरब वर्ष पूर्व जो हम लोगों ने पढ़ा 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, ये इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं छोटी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। अब इस बात का निर्धारण कैसे किया जाए कि किसी कालखंड में कौन सा जीव आया है, तो हम लोग पढ़ते हैं कार्बन डेटिंग। इसके अलावा भी और भी अन्य विधियां पढ़ते हैं जिन विधियों के माध्यम से पता कर पाते हैं कि कौन सा जीव किस काल में आया। तो सभी विधियों में सबसे एफिशिएंट और सबसे मतलब अच्छी विधि जो मानी जाती है, अगर प्रश्न आता है तो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है वो है पोटेशियम ऑर्गन विधि। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, पोटेशियम ऑर्गन विधि पोटेशियम ऑर्गन विधि सबसे कारगर है किसी भी चट्टान के बारे में बताना या उस चट्टान में जो भी जीवाश्म है उसके बारे में बताना कि वो किस काल में है। क्यों ऐसा बता पाते हैं? क्योंकि जो पोटेशियम है वो सभी प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है और इसकी रेडियो धर्मिता खोने की दर जो होती है सबसे कम होती है, अधिक नहीं सबसे कम होती है। जितना रेडियो धर्मिता गुण खोने की दर जितनी कम होगी उतना उस तत्व के समाप्त होने का समय जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा होगा तो एक लंबा समय हम आकलित कर सकते हैं चट्टानों में जीवों में कि वो उत्पत्ति किस समय की होगी उसकी। तो यहाँ पर हम लोग इन्हीं सब विधियों के आधार पर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा जीव किस कालखंड में आया। इस कालखंड का नाम भी याद रखेंगे, इसको डिवाइड किया गया है। पहला जो कालखंड है जो महाकल्प जिसे कहेंगे, बहुत बड़ा कालखंड होता है ये, फिर इसको छोटे छोटे और खंडों में डिवाइड किया गया है शकों में, पीरियड्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आए पहला हम पढ़ेंगे प्री कैम्बियन महाकल्प। ये सबसे इसका जो अंतराल था इसका जो ड्यूरेशन था वो बहुत ही ज़्यादा था। अगर सभी महाकल्पों की बात करें तो उन सभी महाकल्पों में सबसे बड़ा महाकल्प जो होता है प्री कैम्बियन काल है। क्यों है? क्योंकि इसमें दो काल को जोड़ा गया है, ये दो काल मिलकर प्री कैम्बियन काल कहलाते हैं। वो दो काल हैं, दो महाकल्प हैं, आर्कियोजोइक महाकल्प और प्रोटीरोजोइक महाकल्प। इन दोनों को मिला के प्री कैम्बियन काल की संज्ञा इसको दी जाती है। इसमें बस इतना आपको याद रखना है कि आर्कियोजोइक में किस प्रकार के जीव आए और प्रोटीरोजोइक में किस प्रकार के जीव आए हैं। तो आर्कियोजोइक में पूर्व केंद्रीय जीव आए और प्रोटीरोजोइक में सुकेंद्रीय जीव आए। इसका आशय ये होता है पूर्व केंद्रीय मतलब कि प्रोकैरियोटिक जीव और प्रोटीरोजोइक का मतलब सुकेंद्रीय जीव, मतलब जिसमें केंद्रिका उपस्थित हो, मतलब कि यूकैरियोटिक। ये हम लोग कोशिका में पढ़ चुके हैं, वहाँ आप जाके देख सकते हैं
कि यूकैरियोटिक जीवों का आशय क्या होता है और प्रीकैरियोटिक जीवों का आशय क्या होता है। बस इतना आपको याद रखना है। उसके बाद का महाकल्प हो है वो क्या है, पुराजीवी महाकल्प, पेलियोजोइक महाकल्प। इसको हम लोग प्रथम युग की संज्ञा देते हैं। इससे पहले जो आर्कियोजोइक है और प्रोटीरोजोइक है इसे किसी युग की संज्ञा नहीं दी जाती है, ये याद रखेंगे। लेकिन उसके बाद का जो महाकल्प है उसे प्रथम युग की संज्ञा दी जाती है। इसके अंदर हम लोग जानेंगे, अगर एक समग्र रूप से अगर हम जाने कि इसमें क्या हुआ था, मुख्य चीज़ क्या हुई थी, तो समुद्र से जीव स्थल, समुद्र से जीव क्या हुए थे, स्थल पर आए थे। मतलब कि समुद्री जीव थे वो स्थल पर, उनका आगमन इसी काल मतलब पुराजीवी महाकल्प या पेलियोजोइक महाकल्प में हो गया था। उससे पहले जो थे वो, उससे पहले के जीव जो थे, जो एक कोश किए थे या बहु कोश किए थे, वो समुद्र के अंदर तक ही सीमित है। लेकिन अब इस पुराजीवी महाकल्प को, पेलियोजोइक महाकल्प को कई पीरियड, छोटे छोटे कालखंडों में डिवाइड कर दिया गया, और जिसे हम लोग शक की संज्ञा देते हैं। ठीक, इसमें पहला शक है कैम्ब्रियन शक। ये प्रश्न आता है कि किस शक में या किस महाकल्प में किस प्रकार के जीवों, किस प्रकार के चट्टानों, किस प्रकार के पौधों की उत्पत्ति हुई, इस तरह से प्रश्न अक्सर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैं बताऊँगा वो मुख्य होगा, इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए इसको आप नोट करिएगा। प्रश्न जो होंगे ऐसे ही यहाँ से अराइज होंगे। ठीक है, तो कैम्ब्रियन शक में आ जाते हैं। तो कैम्ब्रियन शक में क्या क्या आया, किस किन चीज़ों की उत्पत्ति हुई, तो औषधीय शैले का निर्माण जो हुआ है इसी शक में हुआ है। जीवाश्म की अगर बात करें तो जीवाश्म भी इसी काल की चट्टानों से प्राप्त होते हैं। मतलब कि जो इस काल में जो चट्टानें पाई गई हैं उन चट्टानों में क्या हुआ, जीवाश्म पाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग दिमाग में रखेंगे, जैसे कि हम लोग पेरिपेटस कहते हैं, तो पेरिपेटस के जीवाश्म जो है वो कैम्ब्रियन शक की चट्टानों में पाए गए हैं। उसके बाद सारगेसन घास हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसकी स्थिति है कि सारगेसन घास कहाँ पाई जाती है, एक तरह की ये क्या शैवाल होती है। ठीक है, समुद्र में उत्पन्न हुई किस काल में, तो ये है कैम्ब्रियन शक में इसकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद का जो शक है आर्डोविशियन शक, आर्डोविशियन शक में ही मछलियों से कार्डेटा का विकास प्रारंभ हो गया था। मछलियां मतलब समुद्र में, ठीक है, और कार्डेटा, कार्डेटा के जीव, कार्डेटा को हम इस तरह से परिभाषित करते हैं कि जिनकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती हो वहां से, मतलब कि रीढ़ की हड्डी भले ही विकसित ना हो लेकिन उसके लक्षण दिखने लगे थे, तो मछलियों में भी क्या होती है, रीढ़ पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। हम उन्होंने जीवों के विकास में इस बात को पढ़ा था और इसी के आधार पर इनकी समानता को हम लोगों ने देखा था। उसके बाद सिलूरियन शक आते हैं, और सिलूरियन शक में जो रीढ़ वाले, रीढ़ की हड्डी वाले जो जीव थे वो, उनका विकास बहुत तेज़ी से हुआ और उनकी जो रीढ़ की हड्डी अधिक विकसित हुई, तो इसीलिए जो सिलूरियन शक है इसे रीढ़ वाले जीवों का काल भी कहा जाता है, क्योंकि उत्पत्ति तो इस बात की हो गई थी, जो विकास क्रम शुरुआत हुआ था रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का वो आर्डोविशियन शक में हुआ था, लेकिन एक मजबूत स्थिति में या विकसित अवस्था में जो देखा गया वो सिलूरियन शक में देखा गया, इसीलिए सिलूरियन शक को हम लोग रीढ़ वाले जीवों का काल कहते हैं। उसके बाद डिवोनियन शक आता है, डिवोनियन शक में मछलियों का विकास बहुत अच्छे से हुआ है, क्योंकि उस समय का वातावरण मछलियों के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल था, इसीलिए डिवोनियन शक को मत्स्य युग की संज्ञा भी दी जाती है, और इसी समय में उभयचर जीवों की उत्पत्ति भी हुई, जैसा कि उभयचर हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद आए कार्बोनिफेरस शक, जो कि पुराजीवी महाकल्प का हिस्सा है। इसमें इसमें बोला जाता है उभयचरों का युग, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि डिवोनियन शक में उभयचर जीवों की उत्पत्ति होती है लेकिन उनका विकास कार्बोनिफेरस शक में आकर अधिक हो जाता है, उत्पत्ति, इनकी संख्या बढ़ जाती है और ये बहुत ही डेवलप अवस्था में
पाए जाने लगते हैं, इसीलिए इस शक को उभयचरों का युग कहा जाता है। इस शक में सरीसृपों की उत्पत्ति होती है, विकास नहीं उत्पत्ति का क्रम शुरू होता है, और गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण भी इसी शक में होता है। फिर हम लोग पुरा जीवी महाकल्प के ही नष्ट शक में जाएंगे, जहाँ पर जिसे हम लोग परमियन शक कहेंगे, परमियन शक, और परमियन शक में ही सरीसृपों का विकास होता है। ठीक है, तो सरीसृपों का विकास कहाँ अधिक होता है, अगर हम पुरा जीवी महाकल्प की बात करें तो वो है परमियन शक, जहाँ सरीसृपों का विकास होता है। अब नेक्स्ट महाकल्प में हम लोग प्रवेश करेंगे, इसे हम लोग मध्यजीवी महाकल्प या मीसोजोइक काल की संज्ञा देते हैं। मीसोजोइक महाकल्प या मध्यजीवी महाकल्प भी कहते हैं इसे। इसमें इसको भी कई छोटे छोटे शकों में डिवाइड किया गया है। इसमें है तीन शक, ट्रियाशिक शक, जुरैशिक शक और क्रिटेशियस शक। ट्रियाशिक शक के अंतर्गत रेंगने वाले जीवों का काल इसे कहा जाता है, क्योंकि रेंगने वाले जीवों का विकास इस युग में हो गया था, अधिक मात्रा में अच्छे से विकसित हुए थे, इसीलिए इसे एज ऑफ रेप्टाइल्स या रेंगने वाले जीवों का काल कहते हैं। तो रेंगने वाले जीवों काल या रेंगने वाले जीवों का काल जिससे महाकल्प में कहा जाता है, उस महाकल्प का नाम है मीसोजोइक महाकल्प या मध्यजीवी महाकल्प। मध्यजीवी महाकल्प में ही जुरैशिक शक, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जुरैशिक शक किस महाकल्प का हिस्सा है, तो मीसोजोइक या मध्यजीवी महाकल्प का हिस्सा है। इसमें डायनासोरों से सरीसृपों का प्रभुत्व, डायनासोरों जैसे सरीसृप है, मतलब डायनासोर सा है, अधिक विकसित हुए, और डायनासोर क्या है, सरीसृप है। और इसी में देखिए मैंने लिखा है आर्कियोप्टेरिक्स की उत्पत्ति हुई, जो सरीसृप और पंछियों के बीच की कड़ी कही जाती है, मतलब ऐसे सरीसृप जो उड़ सके उन्हें आर्कियोप्टेरिक्स की संज्ञा दी गई। तो वो किस शक के थे, जुरैशिक शक, और किस महाकल्प के, तो मीसोजोइक महाकल्प के थे। इस तरह से प्रश्न आपका आता है परीक्षा में। उसके बाद इस मध्यजीवी महाकल्प का आखिरी शक है क्रिटेशियस शक, और क्रिटेशियस शक से ही इन डायनासोरों का, इस तरह के आर्कियोप्टेरिक्स जैसे जीवों का खात्मा हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं। क्यों समाप्त होते, पृथ्वी पे उल्का पिंडों के गिरने से ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी साक्ष्य के आधार पर कहा गया है कि डायनासोरों का अंत का कारण पृथ्वी पर उल्का पिंडों का गिरना है। उसके बाद का महाकल्प है सीनोजोइक महाकल्प। सीनोजोइक महाकल्प को भी कई भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पेलियोसीन शक आता है। इसमें डायनासोर पूर्ण रूप से समाप्त हो गए थे, लेकिन शुरुआत समाप्ति की क्रिटेशियस शक से हुई थी, जो कि मध्यजीवी महाकल्प का हिस्सा है, लेकिन पूर्ण समाप्त पेलियोसीन शक में हो गए थे। प्रश्न यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं आता है। इओसीन शक में हाथी, घोड़ा, गेड़ा, जो कि हमको उच्च कोटि के जीव हमको देखने को मिलते हैं, इनके पूर्वजों की उत्पत्ति इओसीन शक में होती है। उसके बाद ओलिगोसीन शक में पुच्छहीन बंदर का आविर्भाव, एप जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, मानव के उद्विकास में एप, गिब्बन, ओरंगुटान, चिंपैंजी, गोरेला के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वो उनका प्रादुर्भाव, उनकी उत्पत्ति का जो क्रम शुरू होता है वो ओलिगोसीन शक से होता है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये किस महाकल्प का हिस्सा है, जहाँ से पुच्छहीन बंदर का विकास शुरू होता है, उनकी उत्पत्ति, उनका आविर्भाव होता है, तो वो सीनोजोइक महाकल्प है, और शक ओलिगोसीन शक कहलाएगा। उसके बाद आएंगे मायोसीन शक। मायोसीन शक में मछलियों का और अच्छा विकास होता है, जिसमें सार्क मछली आती है का सर्वाधिक विकास हुआ। अगर सार्क मछली आती है तो आप जाएंगे बताएंगे सीनोजोइक महाकल्प में सार्क मछली का विकास हुआ था। पेंगुइन का आविर्भाव अंटार्कटिका में मायोसीन शक में ही हुआ, सीनोजोइक महाकल्प में हुआ। और
प्लायोसीन शक में मानव की उत्पत्ति हो जाती है, इसीलिए सीनोजोइक महाकल्प भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पुच्छहीन बंदर जो कि हमारे एंसेस्टर्स हैं मानवों के, उनका आविर्भाव और मानव की उत्पत्ति दोनों का आविर्भाव किस महाकल्प में हुआ है, तो सीनोजोइक महाकल्प में हुआ है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आएंगे नए महाकल्प में नियोजोइक महाकल्प। नियोजोइक महाकल्प जो है इसको हम लोग वर्तमान में देख सकते हैं जिसमें हम लोग हैं, और अगर शक की बात करें तो हम लोग किस शक में हैं तो उसकी भी चर्चा कर ले रहे हैं अभी। प्लिस्टोसीन शक जो है नियोजोइक महाकल्प का हिस्सा है, इसमें होमोसेपियंस का विकास हो चुका है और होमोसेपियंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये होमोसेपियंस अपनी जन्मस्थली, जैसा कि आप जानते हैं कि होमोसेपियंस की या मानवों की जन्मस्थली अफ्रीका कॉन्टिनेंट को माना जाता है, और प्लिस्टोसीन शक में ही ये जो मानव थे जिनकी उत्पत्ति प्लिस्टोसीन से होमोसेपियंस में, होमोसे मतलब बुद्धिमान मानव की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो अपने जन्मस्थली को छोड़ के, मतलब अफ्रीका को छोड़ के, एशिया और यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट में पहुँच गए थे। उसके बाद नया शक आता है जो कि वर्तमान में चल रहा है, उसे बोलेंगे हीलोसीन शक। हीलोसीन शक मानव युग की शुरुआत मानी जाती है। कह सकते हैं कि जब हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में कि आग की खोज कब हुई थी, तो हम लोग जब पढ़ते हैं इतिहास में तो जब हम लोग उसको विकास के क्रम में या कालखंड में जब डिवाइड करते हैं और साइंस के नज़रिए से देखते हैं, तो हीलोसीन शक हमको पता चलेगा कि हीलोसीन शक में ही मानव युग की शुरुआत हुई थी। उम्मीद करते हैं कि यह पूरा का पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में प्रश्न आता है ये, तो ये गलत हो जाता है, इसीलिए इसको आप लोग वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से नोट करेंगे, याद करेंगे और बार बार इसको रिवीजन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।